क्या आप भी वॉलीबॉल रोटेशन सीखना चाहते हैं? अगर आपको वॉलीबॉल रोटेशन समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो भाई आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप वीडियो को समझ पाएँ और वीडियो में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। वॉलीबॉल रोटेशन को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट वॉलीबॉल कोर्ट, सेकंड पॉइंट पोजीशन ऑफ प्लेयर इन द कोर्ट, थर्ड व्हेन टू रोटेट, फोर्थ पॉइंट वेयर टू मूव ड्यूरिंग योर रोटेशन, फिफ्थ पॉइंट ओवरलैप, सिक्स टाइप्स ऑफ रोटेशन। फर्स्ट वॉलीबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर लेंथ 18 मीटर, ब्रेथ 9 मीटर। वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर टू जोन्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट फ्रंट जोन, सेकंड बैक जोन। कोर्ट के अंदर प्लेयर एंटी क्लॉकवाइज स्टैंड होते हैं, बट जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। सेकंड पॉइंट पोजीशन ऑफ प्लेयर इन द कोर्ट, वॉलीबॉल टीम के अंदर 12 प्लेयर होते हैं जिसमें 6 प्लेयर खेलते हैं। फर्स्ट प्लेयर सेटर, सेकंड ब्लॉकर, थर्ड लेफ्ट अटैकर, फोर्थ राइट अटैकर, फिफ्थ लिब्रो, अपोजिट साइड हिटर भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट व्हेन टू रोटेट, अगर आपको घूमना कब है, जब आपने सर्विस करवाई हो और वो कट हो गई है, फिर सामने वाली की टीम की सर्विस हो और वो कट होने के बाद जब आपकी दोबारा सर्विस आती है तब आपको रोटेशन करना है। और एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि रोटेशन जब हम करते हैं और जो भी प्लेयर सर्विस कराता है, अगर एक नंबर ने सर्विस करवाई है तो नेक्स्ट एक नंबर कट होने के बाद सर्विस नहीं करवाएगा। मतलब अगर हमारी टीम का पॉइंट चला गया तब एक बार जिसने सर्विस करा दी उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर रहेगा, जैसे टू नंबर आएगा तो टू नंबर का प्लेयर सर्विस कराएगा, ठीक है। तो एक नंबर एक बार जिसने सर्विस करवा दी है वो दोबारा सर्विस नहीं करवाता है। और जब हमारा टीम का पॉइंट आता है कट होने के बाद तब हमको रोटेशन करना होता है। फोर्थ पॉइंट वेयर टू मूव ड्यूरिंग योर रोटेशन, जब हम रोटेशन आता है और हमको जब घूमना रहता है तब कैसा होता है, तब मैंने अभी आपको बताया कि क्लॉक वाइज होता है। तो इसी तरीके से जो एक नंबर का प्लेयर है वो सिक्स नंबर पे चला जाएगा, सिक्स वाला फाइव पे, फाइव वाला फोर पे, फोर वाला थ्री पे, थ्री वाला टू पे और टू वाला वन पे। इसको क्लॉक वाइज रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉक वाइज सब अपनी पोजिशन को चेंज कर लेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया हर पॉइंट के बाद तो आप को रेफरी फाउल भी दे देता है। तो इस बात का याद रखना है, हर सर्विस कट होने के बाद जब आपकी नेक्स्ट दोबारा सर्विस आए तो आपको रोटेशन करना ही है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ बहुत याद रखनी है, वो है कि लिब्रो का सब्स्टिट्यूशन, लिब्रो की जैसे ही पाँच नंबर के बाद उसका रोटेशन ख़त्म होता है तो वो बाहर जाता है और ब्लॉकर अंदर आता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसको जब मैं आपको 5-1 रोटेशन बताऊँगा उसके अंदर मैं आपको लिब्रो का पूरा सही सही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फिफ्थ पॉइंट ओवरलैप, ओवरलैप मीन्स कि आपको किसी प्लेयर को कट नहीं करना है। जैसे कि अगर टू से पहले थ्री आता है और टू से पहले वन आता है, ठीक है, उसी तरीके से जो टू वाला प्लेयर है, ऐसा नहीं होगा कि वो रोटेशन करते समय टू वाला थ्री की पोजिशन पर चला जाए और थ्री वाला टू की पोजिशन पर चला जाए, और या फाइव वाला सिक्स की पोजीशन पे चला जाए, सिक्स वाला फाइव की पोजीशन पे चला जाए, तो कोई किसी से ओवरलैप नहीं होगा। मतलब कोई किसी की पोजीशन पे नहीं आएगा। अगर कोई आपस में ओवरलैप होता है तो रेफरी फाउल दे देगा जिसकी वजह से आपका एक पॉइंट चला जाएगा। तो ओवरलैप भी नहीं करना है रोटेशन करते समय। सिक्स पॉइंट टाइप ऑफ रोटेशन, रोटेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे फाइव वन,
सेकंड 6-2, थर्ड 4-2। वे 5-1 का मतलब वन सेटर फाइव अटैकर, जिसमें कि एक मिडिल ब्लॉकर होता है और एक लिबरो होता है उसके साथ चेंजिंग में। उसके बाद 6-2 रोटेशन मतलब टू सेटर एंड 6 हिटर्स। तो ये होते हैं अपने टाइप ऑफ रोटेशन। इस वीडियो में मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, ये आपको कैसे लगे। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके पास तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है वॉलीबॉल से रिलेटेड तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। राम राम।